नमस्कार, सिरमौर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। उद्योग संसदीय मामले श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन मंत्री ने आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कफोटा में आयोजित युवा रोजगार मेले की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि इस युवा रोजगार मेले में पांवटे साहिब, कालाम, बद्दी व नालागढ़ सहित विभिन्न 47 कंपनियों ने भाग लिया तथा 399 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। जो है आज कोफट्टा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, और यहाँ लगभग 45 कंपनियाँ जो हैं उन्होंने अपना स्टॉल स्थापित किया है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लड़कों को रोज़गार दिया गया है। अभी नियुक्ति पत्र कोई 100 के करीब जो है बच्चों को नियुक्ति पत्र मेरे हाथ द्वारा दिया गया है, और अभी जो है ये शाम तक जो है रोज़गार मेला चलेगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के जो है साधन बहुत सीमित रहे हैं। हम चाहते हैं कि विशेष करके कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो है वो जो है रोज़गार के साधन कम हो। अनुरोध करूँगा कि सभी जो नौजवान हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करें, चाहे ITI है, चाहे डिप्लोमा है, किसी ना किसी टेक्निकल लेवल में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उद्योगों में जो है वो टेक्निकल लोग जो है उनकी वो चाहिए होते हैं। फार्मा सेक्टर के हैं, मेडिसिन प्लांट के बहुत सारे नौजवानों के जो पद पड़े हैं, और बहुत सारी कंपनियों ने मुझे भी बताया है कि उनके पास जो जिस लेवल का जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए और एक्सपीरियंस के लोग चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। मैंने कंपनियों से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इस रोज़गार मेले में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जो है वो नियुक्ति पत्र जो है प्रोवाइड किए जाए, और ये आश्वासन दिया है। मुझे खुशी है कि जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और लेबर डिपार्टमेंट ने जो है इस मेले का आयोजन किया, ये सफल आयोजन रहा है, और बहुत सारे लोगों को आज जो है रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे, नियुक्ति पत्र जो है वो दी जाएगी।